हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हम पहुंचे हैं M3M अरबाना सेक्टर 67 में और जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस समय क्रिकेट का खुमार है, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर लोगों की दीवानगी एक बार लगातार बढ़ती जा रही है। और आज हम आपको गुरुग्राम में जो दिखाने वाले एक स्पोर्ट्स बॉक्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्पोर्ट्स बॉक्स आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं खेलों के साथ। कैसा एक नया कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, आइए एक बार चलते हैं अंदर। तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही लग्जरी, बहुत ही प्यारी लोकेशन आज यहाँ पे है। और गुरुग्राम के अंदर फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन के अंदर लोग किस प्रकार इंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट्स बॉक्स के अंदर, आइए चलते हैं। तो गाइज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पोर्ट्स बॉक्स, एक बॉक्स जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और उनके ओनर इस समय हमारे साथ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सच के इस खास कार्यक्रम में। सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है, कब आपने ये स्पोर्ट्स बॉक्स शुरू किया, कैसे किया, कैसे थॉट आया और कहाँ से मोटिवेशन मिला? ओके, मेरा नाम दिनेश मुंदड़ा है, मैं डायरेक्टर हूँ स्पोर्ट्स बॉक्स का। मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ, IT में काम किया है 22 ईयर्स। इसमें मेरा एक विजन था कि एक ऐसी फैसिलिटी और इनोवेटिव आइडिया लाया जाए जिसमें सारे कॉरपोरेट्स और हर आयु वर्ग के लोग एंजॉय कर सकें, चाहे बच्चों को बर्थडे पार्टी मनानी हो या कॉरपोरेट इवेंट करनी हो या कोई भी रेगुलर जिसको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है। क्योंकि गुड़गांव है ना, एक MNC सिटी है और उसमें इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं स्पोर्ट्स के, तो दैट्स अ इनोवेटिव आइडिया आई ब्रॉट। एंड उसमें ये मुंबई का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मुंबई में जगह कम होती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बनी हुई है, वहाँ से मेरे को ये आइडिया मिला। और मैं ना इसको बहुत हाइजीन, बहुत हाईली स्टैंडर्ड, वर्ल्ड मेंटेन फैसिलिटी बनाना चाहता था, बिकॉज मैं US में 7 साल रह चुका हूँ तो मेरे को अच्छे से आइडियाज है सेफ्टी सिक्योरिटीज़ की। ऐसा नहीं कि चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलता है, राइट? तो वो हमने अच्छा काम किया यहाँ पे। ये फैसिलिटी 2021 फरवरी में हमने स्टार्ट करी। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 साल करीब हो चुके हैं, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारे ऑलमोस्ट आज नहीं करते 4,000 से ज़्यादा कस्टमर हैं। जी सर, मुंबई का आइडिया आप गुरुग्राम में लेके आए और बड़ा एक इनोवेशन है कि अगर आपको कहीं ना कहीं आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको एंजॉय करना है, बर्थडे पार्टीज करनी है, किटी पार्टीज करनी है, आप यहाँ स्पोर्ट्स बॉक्स में आ सकते हैं और खेलों के साथ। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हम NCR के लोगों को दे रहे हैं और क्या रेडियस है हमारी सर्विस का, कहाँ कहाँ के लोग अभी तक आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि रेडियस बहुत हमारी बड़ी हो चुकी है। लोग गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद सभी जगह से आते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, मेनली साइबर हब, अगर आप कॉरपोरेट की बात करें गुड़गांव की तो वहाँ की काफ़ी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं ब्रांड्स का नाम लूँ तो नाम गिनते गिनते हमारा बहुत वक्त लग जाएगा। यहाँ पे सारी MNCs ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, डिलॉयट हो गई, सैमसंग हो गई, E&Y हो गई, इंडसइंड बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, लॉट ऑफ कॉरपोरेट्स सब आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम अगर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग जो तो आ चुके हैं, वो ब्रांड्स आ चुके हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ नए लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को कि क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, कैसे यहाँ पे इंजॉय हो सकता है, कैसे लग्जरी लाइफ के अंदर हम स्पोर्ट्स कर सकते हैं? देखो, कोरोना के बाद हमने सबने देखा कि सब लोग हम इंडोर हो गए थे और हमारी इम्यूनिटी और वीक हो चुकी थी। हमने सोचा कि क्यों ना आउटडोर स्पोर्ट्स वापस चालू किया जाए और छोटी जगह में आउटडोर स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स बॉक्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे आप सारे गेम्स एंजॉय कर सकते हो। चाहे आप हेरिटेज गेम्स की बात करो, खो खो है, आपको खो खो खेलना है, आपको कबड्डी खेलना है, आप वो भी खेल सकते हो। वॉलीबॉल ग्रीन टर्फ में, वॉलीबॉल ये पहला दिल्ली NCR की फैसिलिटी है जिसमें ग्रीन टर्फ वॉलीबॉल बना है। ऐसे ही फुटबॉल हो गया, ऐसे ही बॉक्स क्रिकेट हो गया। बॉक्स क्रिकेट मतलब सॉफ्ट बॉल से खेला जाता है और बॉक्स के अंदर खेला जाता है, इंजरी के चांसेस नहीं है, आपको ज़्यादा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, गर्ल्स भी खेल सकती है, थकना नहीं है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसमें हम इक्विपमेंट्स भी देते हैं आपको, बैट बॉल विकेट्स, आपको घर से कुछ नहीं लाना, आपको आना यहाँ इंजॉय करना है। उसके साथ में ड्रिंकिंग वाटर, म्यूजिक सिस्टम, माइक सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ यहाँ पे। सर, जब यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए बच्चे, बूढ़े या यूँ कहे नौजवान, हर पीढ़ी के लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, खेलने के साथ साथ उन्हें भूख भी लगती होगी, तो उनका ये भूख को शांत करने के लिए क्या इंतजाम आपके द्वारा किए गए? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये फैसिलिटी मॉल में है, वैसे तो यहाँ बहुत सारे आउटलेट है लेकिन थोड़ा दूर पड़ जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जब आदमी खेलता है या बच्चे खेलते हैं तो सबसे पहले भूख लगती है उनको, और उस भूख को मिटाने के लिए हमने ये खोल दिया स्पोर्ट्स कैफ़े जी। अब स्पोर्ट्स कैफ़े में सारे इंडो चाइनीज स्नैक्स वगैरह, हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी जूसेज वगैरह, शेक्स वगैरह सब अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। इसका मकसद हमारा पैसा अर्निंग करना नहीं है, इसका मकसद है कि स्पोर्ट्स बॉक्स के
लिए एक कन्वीनियंस बन गया है। सर स्पोर्ट्स बॉक्स एक पोश एरिया के अंदर है, और बात करें पोश लोकेशन है यहाँ पे, बावजूद उसके जो मेन्यू अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बड़ा ही सिंपल सा रखा हुआ है, इसका कारण क्या है? जी सिंपल हमने इसलिए रखा है कि हम कोशिश करते हैं कि हम मैदा को अवॉइड करें, हम व्हीट की ज़्यादा चीज़ें खाएं। फॉर एग्जांपल काठी रोल है, अब काठी रोल तो मैदे के उससे भी बनता है, लेकिन हम नहीं बनाते, हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और हम जंक फूड नहीं खिलाना चाहते। सो बेसिकली मैदा को अवॉइड करना है। सारी चीज़ें आटे से बनने लग गई है आजकल, आपको पता है कि नूडल्स हो वो भी आटे की आने लग गई है, पाव बनने लग गया, ब्रेड बनने लग गई, तो वाई नॉट टू अवॉइड मैदा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए छोटा सा मेन्यू रखा है, सिंपल मेन्यू रखा है, उसकी प्राइसिंग भी उसके अकॉर्डिंग रखी कि हर कैटेगरी के लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो गाइज जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि आपको स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको अपनी जो भूख है, आपकी जो जीभा का स्वाद है, उसे भी आपको शांत नहीं करना। आप यहाँ पे चाउमीन खा सकते हैं, नूडल्स खा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको मैदा के नहीं आटे के मिलने वाले, ताकि आपकी जो हेल्दी लाइफ है वो हेल्दी ही रहे। उसके साथ साथ अगर हम बात स्पोर्ट्स की बात दोबारा से करते हैं, जी अकेले आदमी को आके क्रिकेट खेलना है, बॉलिंग मशीन वगैरह की अगर हम बात करें क्या क्या फैसिलिटीज? बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने एक क्रिकेट बॉलिंग मशीन और क्रिकेट नेट भी बना रखी है। अगर आप सिंगल हो, आपके पास में ग्रुप नहीं है, फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आपका फिर भी मन कर रहा है कि क्रिकेट का बैट उठाना है और बॉल को मारना है, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। क्रिकेट बॉलिंग मशीन है, बहुत ही हाई एंड क्रिकेट बॉलिंग मशीन है, जिसमें सारे वेरिएशंस होते हैं, ऑपरेटर बॉलिंग मशीन को ऑपरेट करेगा, आपको सिर्फ बैट उठाना और खेलना है। कि यहाँ पे आने की टाइमिंग क्या है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, और आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करे कैसे कॉन्टैक्ट? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ओपनिंग आवर्स। हमने दिल्ली NCR का एक ऐसी पहली फैसिलिटी है जिनको, जिसे 24/7 ओपन कर दिया है। जो आप ये बॉक्स देख रहे हो बड़ा वाला, जिसमें बॉक्स क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कॉर्पोरेट इवेंट, बर्थडे पार्टीज होती है, वो पूरा 24/7 है, राउंड द क्लॉक आपको ओपन मिलेगा, स्टाफ मिलेगा। यहाँ पे जो क्रिकेट बॉलिंग मशीन है वो भी रात को 1-2 बजे तक ऑपरेशनल रहती है। अगर आपका मन करता है कि बहुत लेट नाइट मेरे को जाके खेलना है 12-1 बजे, तब भी आप क्रिकेट बॉलिंग मशीन पर खेल सकते हैं। तो ये टाइमिंग्स है यहाँ पर। तो अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है कैसे कॉन्टैक्ट हो सकता है? हाँ, हमारा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, आप गूगल करें स्पोर्ट्स बॉक्स गुड़गांव के नाम से, ये M3M अरबाना मॉल में बनी हुई फैसिलिटी है, और हमारा जो फ़ोन नंबर है बुकिंग के लिए वो है 7428377477। इस नंबर पे डायल भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा गूगल है, इंस्टा है, सभी कुछ है, स्पोर्ट्स बॉक्स M3M अरबाना नाम से। तो गाइज अगर आपको भी इंजॉय करना है यहाँ पे आके, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप सुन चुके हैं, आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, एड्रेस लोकेशन आपको बता दी गई है। और आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि कॉर्पोरेट कल्चर की अगर हम बात करें कि 24/7 आपकी शिफ्ट लगती है, आपको ये नहीं मालूम कि आपकी जो शिफ्ट है वो डे है नाइट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके लिए 24/7 स्पोर्ट्स बॉक्स यहाँ पे है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आपको रग्बी खेलनी है, आपको फुटबॉल खेलनी है, आपको वॉलीबॉल खेलनी है, आपको बॉक्स क्रिकेट खेलनी है, उसके साथ साथ आउटडोर के अंदर बॉलिंग मशीन जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? हाय, आई एम राजन। राजन जी आप लगभग कब से यहाँ पे आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स बॉक्स की फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाय, मैं पिछले 6 महीने से ही आ रहा हूँ, एंड स्पोर्ट्स बॉक्स आउटडोर में बॉलिंग मशीन मेरे ख्याल से इज़ दी ओनली प्लेस इन गुड़गांव जहाँ पे आपको ये मिलेगा, एंड आई डोंट थिंक सो इससे बेस्ट मशीन और फैसिलिटीज़ आपको गुड़गांव में कहीं आउटडोर में मिलेंगी। देयर लॉट ऑफ यू नो ग्राउंड्स, देयर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बट दिस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग मशीन एंड यू नो द सर्विसेज आई डोंट थिंक सो आपको गुड़गांव में कहीं है। फॉर यू नो कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स, यू नो फिटनेस प्लेयर्स लाइक अस जिन्हें कम टाइम मिलता है, उनके लिए इससे बेस्ट आई थिंक कोई अमंग्स द बेस्ट, अगर इससे बेस्ट नहीं तो कोई एरिया नहीं है। आई विल कॉम्प्लीमेंट द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ, आई मीन इनका बेस्ट जो है फीचर आई वुड से देयर मशीन, यू कैन zigzag विद ऑल द स्पीड्स एंड एवरीथिंग, एंड द स्टाफ इज़ वेरी वेल ट्रेंड, सो आपको फीचर्स और फैसिलिटी में समटाइम्स यू गेट द फीलिंग कि ग्राउंड्स पे जो आप TV में देखते हैं 140 फीट पे क्या फील आती है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा कि जो प्रोफेशनल प्लेयर है क्या फील लेता है जब 140 की बॉल आती है उसे, एंड दे हैव द मशीन्स, दे कैन मेक यू फील दोज बॉल्स। तो गाइस जैसा कि आज स्पोर्ट्स बॉक्स को आप देख रहे हैं, आपको कबड्डी खेलनी है, आपको रग्बी खेलनी है, आपको बॉक्स क्रिकेट खेलनी है, आपको बर्थडे पार्टीज करनी है, बर्थडे गेम्स खेलनी है, आपको एंजॉय करने के लिए सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे मैच चल रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्रिकेट का खुमार वैसे ही आज के दिनों में लोगों के ऊपर है, और हम
बात करेंगे सर आपसे, आपका क्या नाम है सर? अंकित करे। अंकित जी, आज आप यहाँ पे खेलने आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस कॉर्पोरेट सेक्टर से आप, और कैसा लग रहा है आप खेल के? Yeah, so our office is in Saket and I'm coming from Noida. Okay. But we have a team across all the locations, Bangalore, New Delhi, Mumbai and some other locations in South. So it was a good experience tha, and I think ground ke saab se hamari jo team thi, they enjoyed really well. And I think hamari jo players the, वो भी बेंगलोर टीम से आए थे दिल्ली, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब जॉब होती है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके इश्यूज होता है, क्योंकि टाइमिंग को सेट नहीं रहती, शेड्यूल सेट नहीं रहता, ये नहीं मालूम दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, शिफ्ट कब ऑफ ऑन हो रही है, तो उसके अंदर अगर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स बॉक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वायरल सच के व्यूअर्स को? हाँ, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी अरेंज दिस एक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज टू यू नो पार्टिसिपेट इन सच स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक क्रिकेट, फुटबॉल। तो वी सर्च ऑन गूगल एंड वी गॉट टू नो कि बॉक्सेट यहाँ पे, बॉक्सेट राइट गांव 67 में एक ग्राउंड है, एंड यहाँ पे आई थिंक द गुड थिंग इज़ कि यहाँ के आस पास बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप क्रिकेट के बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ ड्रिंक्स एंड यू कैन हैव फूड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड इट एलिसिटा वी रियली मेंटेन दिस बिकॉज काम के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एंड द गुड थिंग इज वी कीप डूइंग दिस लाइक इन एवरी 3-4 मंथ्स। तो गाइस, स्पोर्ट्स बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं कि स्पोर्ट्स बॉक्स के अंदर फैसिलिटीज बहुत है, लेकिन सर ये यूनिक कैसे है? बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिक क्यों है। पहली बात तो इसकी लोकेशन, बहुत इसकी जो लोकेशन है वो इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी यहाँ इजीली पहुँच सकता है। ये कोई रिमोट या जंगल लोकेशन में नहीं बना हुआ है, ये हाई स्ट्रीट मॉल M3M अरबाना में लोकेटेड है। दूसरी बात, अगर हम पार्किंग की बात करें, जहाँ पे भी जाते हैं पार्किंग की इतनी समस्या होती है कि गाड़ी पार्क करने के लिए प्लेस नहीं मिलता और हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, यहाँ इनफ पार्किंग है और फ्री पार्किंग है, बेसमेंट में भी है, बाहर भी, आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वो आपकी गाड़ी सेफ है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं वॉशरूम्स की, कितनी जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में दिल्ली NCR में या तो वॉशरूम नहीं होते, होते हैं तो अनहाइजेनिक होते हैं, यहाँ पे मॉल में हाइजेनिक वॉशरूम्स हैं तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, पूरा सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस है यहाँ पे, चाहे आप बर्थडे पार्टी करें, आपके बच्चे सिक्योर हैं, कहीं पे भी कोई बच्चा गायब नहीं होएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। या अगर आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट में हमारे यहाँ पे गर्ल्स मिक्स जेंडर बहुत आते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई कंसर्न नहीं है, 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी है। प्लस ये एक मॉल में फैसिलिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह हैं, आपको शॉपिंग करनी है साथ में वाइल्ड प्लेइंग, और उसके बाद में अगर आपको शॉपिंग करानी है, अपनी घरवाली या फैमिली को खुश करना है, तो आप उनको भी साथ में ला सकते हो और शॉपिंग भी करा सकते हो साथ में। हमारा यूनिक अब इसलिए भी बन गया है कि कन्वीनियंस के लिए हमने एक स्पोर्ट्स कैफ़े भी खोल दिया है, जहाँ पर आप अपना स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। सर, यूनिकनेस की हमने बात की, लेकिन ना जब भी हम बात यूनिकनेस की कर रहे हैं, फैसिलिटी की कर रहे हैं, और जब हम अपने एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो दिमाग में एक रहता है यार डिस्काउंट तो चाहिए, डिस्काउंट क्या मिल सकता है मुझे? तो अगर हम स्पोर्ट्स बॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल है हमारे व्यूवर्स के लिए, या यूँ कहें कि स्पोर्ट्स बॉक्स के जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं, विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, डिस्काउंट तो मांगना ही है हमारे को और मिलना भी चाहिए, हम डिजर्व करते हैं डिस्काउंट के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स बॉक्स की बुकिंग करते हैं, वहाँ पे आपको एक 10% का कूपन मिलता है, और आप स्पोर्ट्स कैफ़े पर जाएँ, वहाँ पर आप अपने डिलीशियस स्नैक्स वगैरह इन्जॉय करें, उस पर आपको 10% ऑफ है। कभी हमारी बुकिंग्स पे डिस्काउंट्स रहता है कि 1 आवर की बुकिंग पे इतना है, और 2 आवर्स की बुकिंग पे फिर से 200 ऑफ है, 3 आवर्स की बुकिंग पे 300 ऑफ है, लाइक दैट। अगर आप बॉलिंग मशीन खेलते हैं या ये फैसिलिटी यूज करते हैं फॉर बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, इसमें एक यूट्यूब का हमारा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, अगर हमारा यूट्यूब जो चैनल है स्पोर्ट्स बॉक्स M3M अरबाना, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, आपकी पूरी टीम सब्सक्राइब करती है, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलता है। कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं, फेस्टिव सीजन्स ऑफर है, तो ये सब चलते रहते हैं यहाँ पे, तो आप आइए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो गाइज, आज हमने विजिट किया स्पोर्ट्स बॉक्स को, और आपको दिखाया कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपको बार बार बताया कि आपको इंडोर के आउटडोर के अंदर जो जो भी गेम्स खेलनी है, आपको अगर हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें, टग ऑफ वॉर, रग्बी, आपको बात करें खो खो की, बात करें यहाँ पे पिट्ठू गेम्स की, अगर हम बात करते हैं, शायद आज के कुछ बच्चों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, वो ट्रेडिशनल गेम्स भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम मॉडर्न गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स बॉक्स जैसा कि इसका नाम है, आप यहाँ पे क्रिकेट बॉक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तमाम गेम्स हैं यहाँ पे आपके इंजॉय करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने इंजॉयमेंट के साथ, आपको इंजॉयमेंट से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, आपको बर्थडे पार्टीज करनी है, किटी पार्टीज करनी है, कॉर्पोरेट इवेंट्स करनी है, इन सभी की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स बॉक्स में दी जा रही है। और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार दोबारा
तरह से आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल है, आप देख सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से वायरस सच का भी यही अनुरोध, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्पोर्ट्स बॉक्स आपके साथ है।